महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू ही नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, देशबंधु चित्तरंजन दास, सैफुद्दीन किचलू, भुलाभाई देसाई, लाला लजपत राय, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, गोविंद वल्लभ पंत, कैलाशनाथ काटजू, अनगिनत नाम जो वकालत के प्रोफेशन में से देशभक्ति से प्रेरित होकर के देश की आजादी के लिए अपनी जवानी खपा रहे थे। इनमें से कई ऋग्वेद थे जिन्होंने देश के संविधान के निर्माण में भी बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। और भाइयों बहनों, इस बात को हम नहीं भूल सकते कि इन महापुरुषों के बिना देश का इतिहास अधूरा है। साथियों, आज हमारा देश इतिहास के एक और अहम पड़ाव पर है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, देश के राजनीतिक एकीकरण के बाद, अब आज देश आर्थिक एकत्रीकरण के दौर से एक नई यात्रा को प्रारंभ कर रहा है।